तेरा बन जाए। ए कोमल, तरकारी काहे नहीं खा रही है? ले। नहीं अम्मा, और नहीं चाहिए। काहे? अब का काहे? मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती खिला बो का? काहे बे? काहे मन नहीं है? नहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल की याद सताए रही हो? क्या हुआ के चक्कर में या खाना अच्छा ना लग रहा हो? कहा बताओ, बोलो क्यों बाबूजी? अरे हमरी छोड़ो, अरे अपनी बिटिया का तो ख्याल रखो। उठा के बस ले आई यहाँ पे, अब देख लो ना खा रही ना पी रही, कुछ नहीं, बस मन ही नहीं लग रहा। यार तुमको अपने बहनिया की याद कैसे आ गई बेटा? बोलो ए बेटा, ये जान लो कि इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुम्हें किए हो यार। बाप की सिधाई का नाजायज फायदा उठाए के समझो। अच्छा जो तुम क्यों उका है? का? निका है? तुम तो बहुत जिंदगी बना रहे हो उसकी, बात करते हो। अरे ससुराल से उठाई के ले आए यार तुम, काहे कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की? और चलो नहीं किए तो नहीं किए, अब तो कर लियो, जाके छोड़ के आओ ससुराल और वहां से लेके आओ प्रतिज्ञा को। समझदार बात बता रहे, समझो। सुन लियो। हाँ ठीक है ठीक है, बजा लियो। ठीक है बेटा, अब गोदी में उठाए के ले आओ, पालकी में उठाए के ले आओ, लेकिन एक शरत है बेटा। का? क्यों जो हिया पे कांड कह के गई है ना, उसके लिए तो घर के हर एक प्राणी से माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के बोलो। मंजूर है तो बोलो। बोलबो हम तुम्हारी प्रतिज्ञा को ले आते हैं और अपनी कुमलिया को उसके ससुराल छोड़ के आते हैं। लेकिन बेटा अगर उसने माफी मांगने से मना कर दिया तो? तो बेटा हमको दोष मत देना। मुंह का देख रहे हो? दोष मत देना, तुम्हें मत देना दोष। अरे तो इनमें कौन सी बड़ी बात है, है? अरे ये भी कोनो शर्त हुई का? हमको पूरा विश्वास है प्रतिज्ञा माफी मांगेगी। अब खुश? नहीं खुश हो तो बताओ, खुश? लगता है बहुत अच्छे से जानते हो प्रतिज्ञा को। अरे तो इनमें कोनो शक है का? जानते हैं बहुत अच्छे से। अब कोई किसी को जाने या ना जाने या भाड़ में जाए। अरे प्रतिज्ञा घर में आए चाहे ना आए, हमको ना कौनो फर्क नहीं पड़ता। हमको तो बस अपने ससुराल जाना है। ए बेटा तुम ज्यादा जलो मत समझो, और टेंशन नहीं आओ मत, अब हंसो, हंसने का टाइम है। हम जा रहे प्रतिज्ञा को लेने, अब तुम्हारी भी तकलीफ दूर। ठीक, जा रहे। बाबू जी सब कहा है? कहा है वो कोई घर में बुला रहे हैं वापस, फिर वही बेमतलब की नौटंकी, बेमतलब का तमाशा। अबे चुप, हम तुम्हारे बाप हैं समझो, हमको न चराओ न पढ़ाओ। कहो बता दें, दोबारा ये घर में वो नहीं आती, और न बेटा आएगी, समझो। चंदू टुन्ना,
बेटा ऐसी खबर लाए हैं कि चना जोर गरम हो जाओगे, फूटने लगोगे तुम। भैया फूटने को छोड़िए, हम फटने को तैयार बैठे हैं। ये बताइए हुआ का? बेटा खबर ही ऐसी है समझो, उनका बाऊजी जो है ना। अरे भैया बात कहा है, बताइए तो सही। अबे चुप हो जाओ, चुप बोलने दो पहले। जो बाऊजी है उका है प्रतिज्ञा को घर वापस लाने के लिए मांग गए। क्या बात है, अरे अरे समझो। हम बताए कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ससुराल का उका लेने के लिए, समझो। हटो हटो हटो, अब एक बात सुन लो। बताओ भैया, खड़े हो गए, बताओ तो सही। बता रहे ना, सुनो। अब बेटा ऐसा है, एक को काम करो, उका एक ठो बढ़िया सा एकदम झकास बैंड बाजा ले जाओ और हमारे ससुराल के बाहर बजवाओ। हम चाहते हैं कि प्रतिज्ञा को हम ससुराल से लेके जाए ना, तो उसका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से हो। काका कहते हो? अरे भैया कहना का है, भैया आपको करने की बारी है, आप चिंता मत कीजिए भैया, एकदम झकास सा करवाएंगे सब कुछ। हाँ ए हुई ना बात, समझो भैया आप निकलिए, समझिए काम हो गया। पक्की बात, हम इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है जी भैया, इंतजार करिए बस अच्छे से, समझो। अरे मिलाओ बे, फोन मिलाओ। ससुर जी रिश्ता कोनो गाजर मूली तो है ही नहीं कि जब तक मन किया खाए, जब नहीं पसंद आई तो बस फेंक दी। क्यों? और ना ही कोनो पतंग की डोर है कि डोर कटी तो पतंग अलग और लटाई अलग। बताओ। अरे यही लिए हम प्रतिज्ञा को लेने आए, सब कुछ भुलाए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें के सामने प्रतिज्ञा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर प्रतिज्ञा से भी तो थोड़ी गलती हुई है। क्या हमारी बात ही नहीं मानी? अगर हमारी बात मान लेती तो मामला भाई खत्म हो जाता, बात आगे ही नहीं बढ़ती। अरे काहे नहीं मानी हमारी बात? अरे हम पति है ना, हमारी बात मान लेती बात वहीं खत्म हो जाती। पर हम सब भूलने को तैयार है, उकाए सब भूल के यही लिए तो हम प्रतिज्ञा को लेने आ गए। अब ये थोड़ी एक बात पकड़ के पूरी जिंदगी चलाते रहेंगे। देखो बेटा, जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। रही बात प्रतिज्ञा को ले जाने की, जब तक ठाकुर साहब खुद आकर ले नहीं जाते या वो खुद नहीं कहते प्रतिज्ञा को लाने के लिए, तब तक उसे हम यहां से नहीं भेज सकते। हम तो कहते हैं कि पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें आगे का सोचना चाहिए। वो क्या है ना, जिंदगी में तो ऊंच नीच लगा ही रहता है। देख लो कितनी अच्छी बात कर रही। अरे पुरानी बातें छोड़कर आगे की सोचनी चाहिए। क्यों? देख लो, ये कितनी सही बात कर रही। चलो जाओ प्रत्येक, जाओ तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। चलो हमें ये बताओ कि क्या ठाकुर साहब ने सचमुच खुद प्रतिज्ञा को लाने के लिए कहा है? हमारा मतलब है कि कहीं तुम ये बात अपने मन से, मतलब ये कि बेकार में फिर बात आगे बढ़ जाएगी जो हम कतई नहीं चाहते। क्या बोले जा रहे हैं ससुर जी, क्या बोले जा रहे हैं? अरे बाऊजी खुद बोले प्रतिज्ञा को लेके आओ। अरे क्या बाऊजी को प्रतिज्ञा के बिना ना पूरा घर ऐसा सूना सूना लग रहा है, यही लिए बोले। एक मिनट, सच सच बताना, क्या बाऊजी ने खुद कहा है तुम्हें हमें यहां से ले जाने को? तो हम का झूठ बोल रहे हैं का? हैं? अरे बाऊजी खुद बोले हैं, तभी तो हम आए हैं। अब क्या चाहती हो कि सर नीचे कर लें, पैर ऊपर कर लें, फिर बोले तब सच मानोगी? देखो बताए तब तुमको कुछ नहीं करना, अब सब कुछ सही हो गया।
सब कुछ पटरी पे है, तुमको क्या करना है बस इसका पटरी पे ही बनाए रखना है बस। अब हमारे साथ चलो और चल के शालीन भाव से अम्मा बाऊजी से माफी मांग लो बस। बात खत्म है, फिर वो भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, बात खत्म, चलो। माफी, लेकिन क्यों? हमने किया ही क्या है? अजीब जबरदस्ती है। जब हमारी कोई गलती ही नहीं थी तो फिर हम माफी क्यों मांगे? हम माफी नहीं मांगेंगे। प्रतिज्ञा बन जाए।